हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस वंस अगेन, वेलकम। तो इन द लास्ट टू लेक्चर, द फर्स्ट पार्ट वाज द ट्रिग्नोमेट्री का जो था इंट्रोडक्शन पार्ट था। सेकंड पार्ट जो था उसमें हम लोगों ने कुछ सम से डील्स किया था 6.1 में। ओके, अब हम लोग ने प्रूविंग स्टार्ट किया, तो हम लोग इस बार भी थोड़े से और प्रूफ्स करेंगे, आगे प्रूफ्स को कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग और लेक्चर्स डालते रहेंगे जिससे कि आपका चैप्टर पूरा ही पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर किसी को बेसिक्स पता नहीं होगा तो वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिर से देख सकता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, एक बार हम लोग फिर से फॉर्मूलेस पे वर्क करते हैं। साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर डीटा। अब ये जो तीन फॉर्मूलेस थे उनसे हम लोग और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। वैसे ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख करके सीख लीजिए। ओके, इनकेस अगर नहीं समझ रहा होगा तो पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेना, सब समझ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपॉन टेन कॉट थीटा होता है। तो अभी जो हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं वो आपके एक्सरसाइज का सिक्स सम होने वाला है। तो सिक्स सम इज वॉट, देख लो अच्छे से, सिक्स सम क्या है आपका, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये आपका सिक्स वाला सम है। तो इस सम को हम लोग LHS टू RHS प्रूफ करते जाने वाले, तो कैसे होगा देखो। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ LHS इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन sec थीटा माइनस 10 थीटा। सी मैंने लिख दिया यहाँ तक 1 अपॉन sec थीटा माइनस 10 थीटा। क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे, हम लोग को कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस ये क्या पॉजिटिव में आना चाहिए। तो याद रखना, जब भी कभी ऐसे सम्स आएंगे तो आप लोग क्या यूज करोगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा ये sec थीटा। मैंने कल भी एक सम सिखाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जब भी यूज करोगे तो अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करके बीच में जो साइन थी वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव है, यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 10 थीटा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर इज, वी आर गोइंग टू राइट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, आप लोगों को अच्छे से समझ जाएगा। ओके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर दिया है, आगे यहाँ पे अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 इज व्हाट, sec थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन में। अगर अच्छे से आप लोग इस टर्म को देखोगे तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, a माइनस बी, और ये आपको a प्लस बी दिख रहा है। अब वापस से यहाँ पर ध्यान दो, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या दिखेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा। अब ऐसा कोई फॉर्मूला, sec और 10 आ जाओ यहाँ पे, sec और 10। अब इस फॉर्मूले को हम लोग लेके यहाँ पे आ जाते, तो क्या होगा यहाँ पे अच्छे से देख लो, अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर टीटा अगर sec स्क्वायर टीटा है, तो अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर टीटा वहाँ पे चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा, मतलब sec स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा। क्या वैल्यू है उसका, आंसर आंसर इज 1, यूज करेंगे हम लोग ये वाला यहाँ पे। तो आपको ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही लिख सकते हो। ओके, तो क्या होगा आपका आंसर, sec टीटा प्लस 10 टीटा द होल अपॉन sec स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा इज वॉट, 1। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 1 का मतलब तो वही होता है sec थीटा प्लस 10 थीटा, हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पे आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS। वंस अगेन आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लिख दोगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से ध्यान दो, फिर से कुछ यूज नहीं किया है, इस टॉपिक को लिया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, नेगेटिव साइन दो बार चेंज होकर पॉजिटिव हो गई, सामने सामने मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी दिख रहा है, ये a प्लस बी दिख रहा है, फॉर्मूला यूज किया ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। उसको सॉल्व करते करते 1 प्लस 10 स्क्वायर डीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर डीटा यूज किया और इस फॉर्मूले को बनाया, इसको फॉर्मुलेट करके इसमें डाल दिया, 1 आंसर आया और उसको रख दिया। ओके, ये आपका
सिक्स क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और बिना इन फॉर्मूलेस के ये सब वर्क नहीं कर पाएगा। फॉर्मूलेस पर अच्छे से ध्यान देना आप लोग। ओके, लेट अस गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, कुछ वो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप लोग को थोड़ा सा और क्या करना है, एनहेंस करना है अपने आप को। वहां पर पावर फोर दिया रहेगा तो उसको स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है और आप लोग ट्राई करना कि वो क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं। इनकेस नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर भी दे दूंगा, बट आप लोगों को पहले ट्राई करना होगा। वी शैल गो विद द एट्थ क्वेश्चन हियर। हम लोग यहाँ पर आठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। सी इस बार जो टर्म है हमारे पास sec थीटा है, tan थीटा है, उसका कन्वर्जन हमें cos और 1 माइनस sin थीटा में लेकर के आना है। तो अब ध्यान देना अच्छे से, इसमें होने क्या वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा को ले लेंगे, लेट अस टेक। तो क्या दिखेगा आप लोगों को, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एल एच एस इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आप लोगों को सबको पता है कि sec थीटा का जो वैल्यू है 1 अपॉन क्या है, cos थीटा। क्या यूज करूंगा यहाँ पे मैं sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन cos थीटा, वो यूज किया, प्लस tan थीटा क्या होता है आप लोगों को भी पता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, sec थीटा इज 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो फिल कर दिया। अब क्या करूंगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी अच्छे से ध्यान देखो, अगर मैं इसमें दो चीज अप्लाई करूं, या तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कुछ हो जाएगा, पर अच्छे से आप लोग देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। यू कैन सी दिस डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है वो सेम है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों के लिए, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ। अच्छे से ध्यान देना क्या किया है, sec थीटा प्लस tan थीटा यूज किया है, बस उनके फॉर्मूलेस डाल दिए और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अच्छे से आप लोग इसको देख सकते हो क्या चेंजेस लाना है आप लोगों को। तो देखिए मैं क्या करने वाला है, हम लोग नॉर्मली रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते थे, इस बार हम लोग रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करने वाले। तो प्लस साइन है तो वापस से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, रैशनलाइजिंग अप्लाई किया, वापस से रैशनलाइजेशन किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, a प्लस बी ए माइनस बी। तो वापस से हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम लोग फिर से ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है ऑब्वियस है, इसको हम लोग ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या लिख दिया यहाँ पे हम लोगों ने, cos थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी माइनस, इन दोनों को साथ में हम लोग ने इसको लेके आ गए। अब क्या है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे वापस से हमारा एक फॉर्मूला लगने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूलेज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे और क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ये cos और ये cos एक एक कट जाएगा, क्या मिला आपको एज एन आंसर, मिला आपको cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका LHS और RHS क्या हो गया फिर से, इक्वल, क्या लिख सकते हो, LHS इज इक्वल टू
आर एच एस एंड वंस अगेन आप लोग इस पर क्वेश्चन पुट कर दोगे। ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, कि है अच्छे से ध्यान देना क्वेश्चन पे। सेक टीटा प्लस टेन टीटा का क्वेश्चन दिया हुआ था, ये लाना था, लिया हम लोगों ने। दो कन्वर्जन यूज किए, सेक होता है वन अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। डिनोमिनेटर कॉमन रहने की वजह से हम लोग ने एक साथ ही लिख दिया उस लोगों को। यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको एग्जामिन किया है। उसके बाद हम लोग ने क्या यूज किया, रैशनलाइजेशन, वो भी न्यूमेरेटर का। तो ये प्लस इधर चेंज हो गया, माइनस हो गया, हम लोगों ने इन दोनों को ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के यहाँ पे लेके आ गए। फिर कॉस थीटा और ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, सो ऑन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसको भी यूज कर दिया, यहाँ पे चेंज किया, कॉस कॉस स्क्वायर कर दिया, जो बच गया वो आपका एज एन आंसर मिल गया। अब एट्थ क्वेश्चन ये कुछ ऐसे सॉल्व हुआ है, नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्वेश्चन थोड़े से टफ में से है, तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा अच्छे से। ओके, लेट अस सी। सो हियर इज योर नाइन्थ क्वेश्चन, टेन टीटा प्लस वन अपॉन टेन टीटा इज इक्वल टू टू आपको एज ए क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टू। देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर है नहीं, क्वेश्चन दिखने में बड़ा रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आंसर भी उसका बहुत बड़ा और डिले होने वाला है या फिर हार्ड होने वाला है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छे से फॉर्मूले इसको इस्तेमाल करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वॉट, टेन टीटा प्लस वन अपॉन टेन टीटा, और साथ में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही नहीं, हम लोग पूरा ही साइड लेने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू टू, क्योंकि इससे पूरा ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं पूरा लूंगा यहाँ पर। आगे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, एक टर्म है जो आप लोगों को पता है, देखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन टीटा प्लस वन अपॉन टेन टीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू का होल स्क्वायर। तो अब अच्छे से देखोगे आप लोग को ये दिखेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, और टू का स्क्वायर तो सबको पता है फोर होता है, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होने वाला है, इज इक्वल टू टू का स्क्वायर क्या है, ऑब्वियसली फोर होता है। अब ध्यान दो अच्छे से, ये टेन थीटा और ये टेन थीटा कट सकता है, दिस डॉट रिसेंबल्स व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। आगे ध्यान दो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू, टू वन सा टू, प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर। अब देखो यहाँ पे कुछ मिलता जुलता आंसर आया, पर पूरा डेफिनेट आंसर आया नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टू है, कुछ नहीं करना, ये प्लस टू है, वहाँ लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर माइनस टू, फोर माइनस टू क्या होता है, टू होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, हैंस प्रूव्ड। आगे बस क्या लिखना हैंस प्रूव। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं यूज किया, एट स्टैंडर्ड सेवेंथ एट स्टैंडर्ड का हम लोगों ने लॉजिक बस इसको यूज किया, दैट्स इट। क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो गया, इस बार तो ज़्यादा फॉर्मूलेज भी अप्लाइड नहीं किए गए। ओके, अच्छे से ध्यान देना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आपके सेमेस्टर्स में भी आ सकता है और बोर्ड में भी आ सकता है, अच्छे से ध्यान देना। ओके, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा टफ है पर ध्यान देना अच्छे से। ओके, यू हैव द टेंथ क्वेश्चन हियर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और लेंथी भी होने वाला है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करना है। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, 10a अपॉन, देखो यहाँ पर ये जो a है इट इज नन अदर देन द सेम थीटा, थीटा ये यहाँ पर a का मतलब कोई एंगल नहीं होता। 10a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, उससे हमें प्रूफ करना है साइन a इंटू कॉस a। तो अभी आप लोगों का दिमाग चलेगा कि चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, मतलब वापस से ए प्लस बी का स्क्वायर लगा देते हैं, सो ऑन, ऐसा वैसा नहीं,
पर अच्छे से देख लो आप लोग ये टर्म को और ये टर्म को, आपको इससे मिलता जुलता कुछ यहाँ पे मिलेगा, ये और कुछ नहीं है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलेज में से दो फॉर्मूले ऐसे है। ओके तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड LHS, क्या होगा टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब यू नो वॉट टेन थीटा इज वॉट, साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इज साइन ए अपॉन कॉस ए द होल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज वॉट सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस साइन। वन सेकेंड, कॉट क्या होता है, अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट हो जाएगा क्या, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो ये बस उसका उल्टा हो जाएगा। यूज करते कॉट क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए द होल अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। चलो यहां तक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, मतलब इन सब के एक दो तीन चार सबका फॉर्मूला भी यहाँ पे फिल कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे सबके फॉर्मूले मेंशन करोगे, क्या लिखोगे, टेन ए इज वॉट साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज वॉट कॉस ए अपॉन साइन ए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज वॉट, थीटा लिख सकते हो आप लोग, क्या हो क्या होता है सेक, सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब का हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आगे क्या करेंगे देखो, यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए द होल अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा स्क्वायर छोड़ दो ये सब छोड़ दो, सेक थीटा क्या होता है, चलो एक और थोड़ा सा हम लोग लेंथी कर देते हैं इसमें, पर क्या इजी हो जाएगा थोड़ा सा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, सेक पावर फोर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए द होल अपॉन कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक फोर ए, वो हो गया, यहां तक समझा। आगे साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन सेक थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा, तो अप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा ये वन अपॉन कॉस पावर फोर ए, क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस पावर फोर ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन वन अपॉन साइन पावर फोर ए, कॉस कोसेक थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा, तो वो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसमें फॉर्मूलेस को डाल सकते हो, क्लियर, आगे अच्छे से ध्यान दो क्या होने वाला है, ये वन अपॉन कॉस फोर थीटा है मतलब कॉस फोर ए है, ये उल्टा हो जाएगा तो वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कैसा दिखेगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू वन अपॉन कॉस पावर फोर ए, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कॉस फोर ए हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में था उस साइड चला गया मल्टीप्लाई पे चला गया, प्लस क्या है हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन पावर फोर ए, ये आ गया। अब अच्छे से आप देख सकते हो चाहिए दो टर्म आ गए इतने सारे, फिर भी हम लोग वर्क करेंगे कैसे, कॉस ए और एक कॉस ए कटा कितना कॉस बचा यहाँ पे पावर थ्री, साइन ए और फोर ए कटा कितना पावर बचा वापस से थ्री, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ मैं साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए, इतना लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे साइन ए और कॉस ए, इधर साइन ए है इधर कॉस ए है, कॉमनली बाहर निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बचेगा, इस साइन ए को बाहर निकाल दिया और कॉस ए को बाहर निकाल दिया सब जगह से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तीन का एक निकाल दिया टू बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, यहाँ पे
साइन ए एक निकाल दिया, तीन साइन था, एक बार निकाला, कितना बचा? से साइन कौन सी है बीच में, प्लस है, यूज करोगे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए इंटू वन। अब ये बताने की तो आपको जरूरत नहीं है, पहले पे आ जाओ आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। तो मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड हेंस आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस ए इंटू वन, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय वन इज द सेम, सो साइन ए इंटू कॉस ए हेंस प्रूफ्ड। ये थोड़ा सा टफ में से क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट कैसे आप लोगों को समझना चाहिए, तो एक बार अच्छे से आप लोग खुद ही उस पर गो थ्रू करना। कुछ नहीं यूज किया है, बस फॉर्मूलेज यूज किए, रेड्स में जितना भी रेड स्केच में यूज किया है सब आपके फॉर्मूलेज के टर्म्स है। ओके, यहाँ पर भी ध्यान दो, और कुछ यूज नहीं किया, बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट अस गो फॉर द 12th क्वेश्चन, बिकॉज 11th क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को एज ए होमवर्क दे दिया है, तो अभी उसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, 11th क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, वर्क करना उस पर, थोड़े से फॉर्मूले ज़्यादा होंगे एज सेम एज 10th क्वेश्चन, तो आप लोग वर्क करोगे तो शायद आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दूंगा, बट आप लोगों को ट्राई करना होगा। लेट अस गो विद द 12th क्वेश्चन हियर। टेन टीटा अपॉन सेक टीटा माइनस वन से आपको ये प्रूफ करना है। आपको ये सिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो किया होगा। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होता क्या ये? ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। अगर ऐसा रहेगा तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोलता है ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ये कुछ ऐसे दिखेगा अगर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो होगा, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी आपको दिखेगा। ओके, अब आगे ध्यान दो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले। सबसे पहले मैं यूज करूंगा यहाँ पे कुछ नहीं, टेन और सेक है तो मेरे पास एक टर्म यहाँ पर है, वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टीटा को हम लोग ने ले लिया है। हम लोग इस सम को नॉर्मली सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान देना, इसके साथ उस टर्म को ले करके सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर टीटा विल बी सेक स्क्वायर टीटा माइनस वन। ये कुछ ऐसा दिखेगा। क्या किया मैंने? ज़्यादा कुछ नहीं किया, ए प्लस को मैंने बस वहाँ पे लेके चला गया, प्लस वन वहाँ पे जाके क्या हो गया? माइनस वन हो गया। अब क्या मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर क्या होता है? ऑब्वियसली वन होता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस, इसको अगर स्क्वायर दे दूंगा तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी, याद रखो बार बार आ रहा है ये। ओके, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या यूज करोगे, क्या लिखोगे आप लोग? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, बस ये यहाँ पे लिख दोगे। ओके, उसके बाद मैं टेन स्क्वायर टीटा को टेन टीटा इंटू टेन टीटा लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो दो बार लिख ही सकता हूँ मैं। यहाँ पे क्या मिलेगा? सेक टीटा प्लस वन अपॉन सेक टीटा माइनस वन, ये यूज़ कर दिया। अब क्या करना है ध्यान दो, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था? टेन टीटा और नीचे माइनस वाला टर्म चाहिए था। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, क्या करना है आपको, ये वाला टर्म यहाँ लेके आना है और ये जो टर्म है सेक टीटा प्लस टेन प्लस वन अपॉन वाला, ये वाले को यहाँ लेके चले जाना है। करना कुछ नहीं है, मैंने एक टर्म्स के साथ ही उसको आगे पीछे किया है। अब ध्यान देना अच्छे से, करने वाला क्या हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ आपको कैसे दिखेगा? सी, इट विल लुक लाइक टेन टीटा अपॉन सेक टीटा माइनस वन, ये मिला, इज इक्वल टू सेक टीटा प्लस वन अपॉन
टेन टीटा। ओके, अब देखो यहां से अच्छे से देख लो क्या होगा, ए बी सी डी, सॉरी मैंने एक चीज यहाँ पे गलत कर दिया था, यहाँ पे इक्वल साइन आएगा, ये इक्वल यहाँ पे नहीं होता है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो था ना, तो मैंने प्लस लिख दिया था, वो इक्वल होता है तो यहाँ पे इक्वल साइन आता है। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे, आपको यहाँ पे ए बी सी डी एज इट इज सेम सिक्वेंस में मिला है वहां पर के, अब क्या करोगे आप, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, नाइन्थ में किया है ना आप लोगों ने, इसको हम लोग क्या इक्वल रेशियो के साथ क्या मानते थे, के ले लेते थे इसको। ओके, तो अब क्या हो जाएगा भाई, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, क्या हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, क्या होगा ये, टेन टीटा प्लस सेक टीटा प्लस वन अपॉन सेक टीटा माइनस वन प्लस टेन टीटा, इसको थोड़े से चेंजेस करेंगे इसको तो क्या मिलेगा हम लोगों को, बस टेन इधर लेके आना है, बाकी को उधर लेके चले जाना है, क्या हो जाएगा, टेन टीटा प्लस सेक टीटा प्लस वन अपॉन टेन टीटा प्लस सेक टीटा माइनस वन, हैंस प्रूव्ड। आप लोग अच्छे से देख पाओगे कि आपका जो आंसर है वो कुछ इस फॉर्मेट में सॉल्व हो गया है। ओके, अब आप लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे नहीं, बस इसको इक्वल क्या कर दोगे, यहाँ पे के यूज़ करोगे, ये वाले टर्म को के यूज़ करोगे, फ्रॉम वन एंड टू वी गॉट दिस इक्वेशन। ओके, फ्रॉम वन एंड टू अगर ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है तो ये आंसर तो पॉसिबल ही है। ओके, तो आप लोगों को दो क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन एंड द इलेवेंथ क्वेश्चन इज गिवन एज होमवर्क। ओके, तो ये आप करना है, सेवेंथ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, वहाँ पर पावर फोर है उसको स्क्वायर स्क्वायर के रेशियो में डाल दो, और इलेवेंथ क्वेश्चन को नॉर्मली आप लोग जैसे सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व कर देना। आगे वाले पार्ट में नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आप लोगों को हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे, साथ में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीखना चालू करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का असली एस्पेक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम लोग किसी उड़ते हुए एरोप्लेन के बारे में भी बात कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर माउंटेन पे खड़े हैं तो उससे नीचे वाला एक ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है तो कैसे देख रहा है, कितने एंगल पर देख रहा है, ये सब के बारे में हम लोग डील करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ स्टे होम।